इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप नोकिया के मोबाइल फोन में दोस्तों वाईफाई कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब आप अपने मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट को कि मतलब आप अपने फोन के वाईफाई को किसी दूसरे फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कराकर डेटा का यूज कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने नोकिया मोबाइल फोन के सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। इसमें आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है तो इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ देखिए आपको यहाँ वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ वाईफाई की साइड में सेटिंग पर क्लिक करके वाईफाई को लीजिए ऑन कर, और उसके बाद आपको जिस फोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है उस मोबाइल में आपको हॉटस्पॉट को देना है ऑन कर। तो चलिए दोस्तों मैं अपने एक दूसरे फोन में हॉटस्पॉट को लेता हूँ ऑन कर। तो जैसे ही आप हॉटस्पॉट दूसरे फोन में ऑन करेंगे तो आपका वाईफाई उसे जो है सर्च कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे वाईफाई ने रियलमी 3 प्रो हॉटस्पॉट नेटवर्क को सर्च कर लिया है। अब दोस्तों देखिए कनेक्ट करने के लिए आपको इस हॉटस्पॉट नेटवर्क पर क्लिक कर देना है जो आपके वाईफाई में सर्च हुआ है। तो जब आप क्लिक कर देंगे तो उस हॉटस्पॉट का पासवर्ड मांगा जाएगा। अब दोस्तों आपको उस हॉटस्पॉट का पासवर्ड देना है डाल, और जब आप दोस्तों पासवर्ड डाल देंगे तो उसके बाद यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपका वाईफाई उस हॉटस्पॉट डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप चाहें तो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों वाईफाई को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने नोकिया के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।